2023 विधानसभा चुनाव में गुड़ की जनता ने दिया भाजपा के पक्ष में अपनी राय। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भाजपा के पास अच्छे नेता, अच्छी नीयत और अच्छी नीति। जीत रही भाजपा, हार रही दूसरी पार्टियां, नागेंद्र सिंह। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से है, जहां 2023 विधानसभा चुनाव में जनता ने दिया भाजपा के पक्ष में अपनी राय। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि भाजपा 2023 में प्रचंड जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बात भाजपा नेता नागेंद्र सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि हम इस बार अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और भारी जीत के अंतर के साथ फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। भाजपा ने किसानों, छात्रों, महिलाओं और ऐसे अन्य वर्गों के लिए चौपालों से कांग्रेस को चक्रव्यूह में फंसाने की रणनीति बनाई है। हमने यह जानने के लिए सर्वे किया है कि लोग हमसे क्या चाहते हैं। हम उन्हें सुशासन देने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। वहीं गुड़ विधानसभा की जनता ने मीडिया से रूबरू होकर अपनी अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। और तो और, वर्षों से महिला आरक्षण बिल लंबित था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय के कारण यह पारित हो गया है और महिलाएं इससे काफी खुश हैं। गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मोदी सरकार की उपलब्धियों और कांग्रेस की विफलताओं पर चर्चा जोरों से किया। वहीं गुड़ के स्थानीय लोगों की माने तो इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और वे बीजेपी के पक्ष में ही वोट करेंगे। इसके अलावा किसान ने भी अपने मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के 15 महीने के सरकार में कर्ज माफी को लेकर किए गए झूठे वादों से काफी व्यथित हैं और गुड़ की जनता ने अपनी चिंता व्यक्त की है। आइए दिखाते हैं गुड़ की जनता ने क्या कहा। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुन्नी भाई। मुन्नी भाई जी, कौन सा गांव है ये? पहाड़िया जिला है। ये बताइए, चुनाव का समय है, विधानसभा चुनाव का समय है, सभी पार्टियां अपना चुनाव का प्रचार प्रसार कर रही हैं। आप लोग किसको मतदान करोगे? हम देंगे जो हम ही लाभ दे रहे हैं। आपको लाभ कौन दे रहे हैं? दे रहे नागेंद्र भैया के वजह से दे रहे हैं। सरपंच हैं शिवराज सिंह और मोदी मोदी ये दे रहे हैं। मतलब मानते हो आप विकास कार्य हुए हैं? हाँ। एक बार फिर से आप नागेंद्र सिंह जी को के सिर पे ताज रखोगे आप जी? पार्वती कोल। कौन सा गांव है ये? यह पहाड़िया 365। किसको मतदान करोगे आप? मतदान नागेंद्र सिंह का करेंगे, शिवराज सिंह को करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी को। क्या नाम है आपका? सविता। सविता जी, कौन सा गांव है ये? ये पहाड़िया। अच्छा, आप लोग मतदान किसको करोगे? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी को करोगे आप? मानते हो विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ। शिवराज सिंह चौहान को क्यों आप वोट करोगे? क्या मिल रहा है उनकी तरफ से? उनके तरफ से बहुत कुछ मिल रहा है। पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। इसकी वजह से आप वोट करेंगे? मिल रही वही करेंगे। इंद्रकाली। इंद्रकाली जी, कौन सा गाँव है ये? पहाड़िया है। चुनाव का समय चल रहा है, सब लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किसको मतदान करोगे आप? इनका जिनका बोल रहे हैं, अरे हमसे पाते हैं जी। क्यों भाजपा को क्यों करोगे? मानते हो विकास हुआ है? मानते हैं, जो लाभ देवाएगा उसी को करेंगे। क्या नाम है आपका? रामसिया साकेत। रामसिया जी, कौन सा गांव है ये? ये पहरिया गांव है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? गुल विधानसभा 75। चुनाव का समय चल रहा है जी, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा और निर्दलीय पार्टियों ने अपने अपने तरीके से अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी। जी, आप लोग किसको मतदान करोगे? हम मतदान करेंगे भाजपा को। क्यों भाजपा को, क्यों कांग्रेस? क्योंकि हमें वो बहुत सुविधा दी है। आज हमें पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, खाने के लिए गल्ला मिल रहा है और दवाई के लिए सरकारी निशुल्क दवा मिल रही है, इसलिए हम भाजपा को सपोर्ट। कांग्रेस भी तो वादा की है कि नहीं, कांग्रेस ने वादा किया है, लेकिन जीतने के बाद हम क्या भरोसा माने कि क्या आगे होने वाला है, इसलिए जो हमें सुविधा मिल रही है हम उसी को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश विश्वकर्मा। राजेश जी, ये कौन सा गाँव है? पहाड़िया। विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? गुड़ 75। इस समय चुनाव, विधानसभा चुनाव का समय है, सभी पार्टियां चुनाव के लिए को लेकर के अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं, आप किसको मतदान करोगे? जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बीजेपी सरकार पुनः आपकी बार। एक बार फिर आप निवर्तमान विधायक के सर पर ताज आप रखोगे जी? आपके कहने के अनुसार आप ये कहना चाहते हो जी? आप मानते हो विकास हुआ है जी? विकास आप किसे कहते हो? विकास की गंगा वही विकास, जैसे हो गया लाडी लक्ष्मी बहना हो गया, नल जल योजना होगी, सड़क हो गई, बिजली विभाग हो गया, शौचालय हो गया, गैस टंकी हो गई। और अच्छा, एक बात बताइएगा मुझे, कांग्रेस सरकार के जो प्रदेश अपने
अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी ने भी अपने चुनावी घोषणा की है कि हम 1500 रुपए बहनों को देंगे, 500 रुपए में गैस देंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे। अरे वो तो पहले भी वादा कर चुके हैं, पहले भी वादा करके अपना वो विफल हो चुके हैं। वो तो आए दिन भी करते ही रहते हैं। क्या नाम है आपका? अभय तिवारी। अभय जी कौन सा गांव है ये? ये पहाड़िया 365 चल रहा है, रामपुर के उसमें आता है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? विधानसभा गुड़ है अपना। इस समय विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है, जी, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है। बिल्कुल। आप किसको मतदान करोगे, क्या मानते हो? भाजपा सरकार को करेंगे। हमारे यहाँ जो गुड़ विधानसभा में है तो सबसे ज्यादा भाजपा सरकार ने विकास किया है। आज हमारे यहाँ पानी की इतनी किल्लत थी, किंतु बीजेपी सरकार के कारण हर घर में नल जल योजना का जो विस्तार हुआ है, जिस प्रकार से लोगों ने मतलब नल जल के उसमें से मन में मोदी जी को बसाया है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि गुड़ विधानसभा में जो है पहाड़िया क्षेत्र में सबसे ज्यादा मोदी जी का जो कहीं ना कहीं मोदी जी हैं, कहीं ना कहीं नागेंद्र सिंह जी हैं, और सब उन्हीं को वोट करेंगे, भाजपा सरकार को ही वोट करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी तो वादा की है कि जीतने के बाद हम इनसे बेहतर करेंगे। कांग्रेस पार्टी 15 महीने पहले भी थी, 15-16 महीने पहले भी थी, आज से 60-65 साल पहले भी थी। हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, रीवा से जब चलते थे सोच लीजिए, तो वहाँ से यहाँ तक आने में, पहाड़िया तक, बक्षेरा तक आने में हम लोगों का जो पेट है वो दर्द के मारे झूम उठता था। सोचिए आज एक फ़ोन में 108 अगर लगाते हैं तो एम्बुलेंस की सेवा जो है तो हमारे घर तक उपलब्ध होती है, और पहले के ज़माने में था कि लोग सड़कों में बच्चे हो जाते थे, अस्पताल तक लोग पहुंच नहीं पाते थे। आज इतनी सुविधा है कि 100 नंबर लगाने से पुलिस आती है हमारी, कोई भी अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी शिकायत है तो 100 नंबर लगाने से पुलिस आती है। यानी आप मतदान सिर्फ भाजपा को करोगे? बिल्कुल, मानते हो विकास हुआ? बिल्कुल, बहुत विकास हुआ हमारे क्षेत्र में, पहाड़िया क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा। आप सामने यहाँ की लोकेशन देख सकते हैं, टंकी, बड़ी बड़ी टंकी बनी हुई हैं। बहुत सारे हमारे युवाओं को भी मतलब यहाँ बहुत सारा वो मिला, युवाओं को बेरोजगारी थी वो भी हट गई। हमारे रामपुर पहाड़िया में तो कम, बहुत कम बेरोजगारी है। आज गल्ला हम लोगों को हर महीने, जब से कोरोना लगा है, हर महीने फ्री में गल्ला बांटा जाता है, किसी से एक रुपए नहीं लिया जाता। कोई भी अगर पहाड़िया पंचायत का आदिवासी बोल दे कि मतलब फ्री गल्ला हमको पैसे में दिया, किसी से पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री गल्ला मिल रहा है सबको। तो हम लोग भाजपा को ही वोट करेंगे, बिल्कुल कमल को ही वोट करेंगे अब की बार गुड़ में फिर से भाजपा सरकार। नरेंद्र जी कौन सा गांव है ये? ये बिलहा है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? गुड़ लगता है। चुनाव का दौर शुरू हो गया, किसके साथ जाना, किसके साथ जाएंगे? मैं तो कांग्रेस के साथ रहूंगा भाई साहब। कांग्रेस के साथ रहोगे आप? जी जी। क्यों, आप बीजेपी ने विकास नहीं किया? विकास जो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये बताइएगा 5300 रुपए बिल महीने में आ रहा है, इसका कोई बहुत बात नहीं करता। 1200 रुपए दे रही है, 500 रुपए दे रही है, उसकी बात करते हैं लोग। 5000 रुपये बिल जो घर में आ रहा है, मैं आपको सबूत दिखा दूंगा, वो देखिएगा। ये सब बातें लोग नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि भाई साहब बंद कर दीजिए सारी योजनाएं हमारे किसानों के लिए। खादी सस्ता कर दीजिए, डीजल सस्ता कर दीजिए, ये सारी चीज़ें को थोड़ा सस्ता करके दीजिएगा ना। विकास आप किसको मानते हो? विकास मैं तो कांग्रेस को जमाने में मानते हैं, हमको सब मिलता था। ऐसा ऐसा क्या उन्होंने किया 15 महीने में कि जो आप उसको विकास मानते हो? कुछ नहीं। कांग्रेस ने जब जब जहां आई कांग्रेस की गवर्नमेंट, देख लीजिए जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां गैस सिलेंडर सस्ता मिल रहा है, बिजली फ्री है, सब कुछ सस्ता है। तो गैस सिलेंडर तो भाजपा की सरकार में भी 4.5 काहे को दे रहे हैं भाई साहब? सबको सम्मान दीजिए ना, सबको सम्मान। 15 महीने की सरकार रही, उसमें आपको क्या मिला? उन्होंने तो कहा बिजली फ्री हो जाएगा, किसान का ऋण माफ हो जाएगा, हुआ ऐसा कुछ? अरे भाई साहब करने नहीं दिए तो कर, जब कौन नहीं करने दिया? किसको किसको गवर्नमेंट नहीं करते? सरकार कांग्रेस की थी तो बीजेपी ने कैसे मना कर दिया? अरे बीजेपी तो बीजेपी में तो भाई साहब व्यक्ति समझ दीजिए। नहीं, पहले एक चीज को आप डिफाइन करिए कि 15 महीने की सरकार रही तो 15 महीने में बीजेपी ने उनको कैसे मना कर दिया जब सरकार है उनकी बनी? अरे तो जब करने देंगे तब ना चलेगा। अभी तो सरकार बनाए 4 दिन हुआ, आप कहते हैं अभी कल कर दीजिएगा। सरकार को किसने रोका था? कांग्रेस सरकार को बीजेपी ने, सारे सांसद खरीद लेते हैं, वो विधायक खरीद लेते हैं, तो सब 15 महीने के बाद खराब कर देते हैं। अपनी जगह है आरोप, अपनी जगह है। ये देखिए बीजेपी गवर्नमेंट का जो है तो पैसा का खेल चल रहा है, इसमें जो पैसा देगा उसी का चलेगा, कोई बात नहीं है। ऐसा जो है साक्ष्य है जहाँ पैसे का खेल चल रहा हो? अरे हर जगह भाई साहब, जहाँ जाएंगे तहाँ देख लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ अभी हर जगह होता है, जहाँ होता था। अभी देख लीजिए पंचूलाल, वहाँ था क्या विधायक था मनियामा का, उसका बेचारे टिकट काट दिया। क्यों काट दिया? कोई गड़बड़ी थी वो? नहीं, वो तो हालत खराब। आप कह रहे हो कांग्रेस के साथ जाओगे,
वो तो बीजेपी के विधायक थे। हाँ तो ठीक है, हमारे बीजेपी को बुरा मानते हो? नहीं नहीं, हम तो बुरा मानेंगे क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। महंगाई दर तो बढ़ रही भाई साहब, महंगाई दर को आप लोग एक तरफ बीजेपी से, एक तरफ आप बीजेपी की तरफ सिंपैथी जता रहे हो, दूसरी तरफ विरोध कर रहे हो। ये समझ नहीं आ रहा है, 1200 रुपए हमको नहीं चाहिए, 1200 रुपए भाई साहब। अभी बीजेपी की सरकार बनेगी तो देख लीजिएगा, 1500 रुपए गैस सिलेंडर होगा, ठीक है ना। ये जो डीएपी खाद 1400 रुपए मिल रही है वो 1800 में हो जाएगी। देखिएगा महंगाई दर, महंगाई इनको बढ़ाना इनका मुद्दा है। सार बीजेपी बेकार ही पार्टी है। हाँ बिल्कुल, मेरे तो मैं तो टोटल असहमत हूँ इस पार्टी। राकेश पटेल। राकेश जी कौन सा गांव है? गुड़गांव। विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? 75। ये बताइए, विधानसभा चुनाव का इस समय दौर चल रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं, आप क्या लगता है किसको आप मतदान करोगे? अरे मतदान तो बीजेपी एक नंबर का काम कर रही है। क्यों कांग्रेस को क्यों नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, निर्दलीय को क्यों नहीं? बहुजन समाज पार्टी को, हम पहले बहुजन ही समाज पार्टी में थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व अब नहीं रह गया। आप क्या है कि जब से मोदी सरकार आई है तो पब्लिक सब खुश है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा विकास कर रही है, आवास दे रही है, लेटरिन दे रही है, ये कचरा पट्टी भरने का दे रही है, सब कुछ दे रही है, लाडली बहना दे रही है। मतलब आप मानते हो कि विकास हुआ है? विकास हुआ है, दिख रहा है विकास, सभी जगह दिख रहा है। एक बार फिर से नागेंद्र सिंह जी को आप उनके सर पे ही ताज रखोगे? बिल्कुल। प्रदेश जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, जी जी, उन्होंने भी दावा किया है कि अगर हमारी सरकार प्रदेश में बनती है जी तो हम भी आपको 1500 रुपए लाडली बहना के नाम से। वो तो ठीक है भैया, 100 यूनिट में पक्ष विपक्ष कोई भी सरकार में आएगा तो वह तो अपना घोषणा पत्र तो चलाएगा ना। अब जब मिले लागू हो पाएंगे अगर उनकी सरकार, ये तो सरकार आने के बाद ही पता चलेगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आप अपना मतदान आप बीजेपी के साथ? बीजेपी। क्या नाम है आपका? समरजीत। समरजीत सिंह जी, कौन सा गांव है ये? ये गुड़गांव के 64। विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? करचुलना। विधानसभा मतदान करोगे आप? विधानसभा चुनाव का दौर है, सभी पार्टियां अपना। आपका राम निवास विश्वकर्मा। ये कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत गुड़गांव। विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? गुड़ है। इस समय विधानसभा चुनाव का दौर है जी। हाँ, सभी पार्टियां अपने स्तर अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही जी, जी हाँ। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे? यहाँ मतदान तो खासतौर से बीजेपी का ही है। कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी है, सभी पार्टियाँ हैं, सभी पार्टियाँ पर कम से कम है सब नहीं, आगे बीजेपी है। बीजेपी के साथ क्यों, ऐसा क्या लग रहा है कि आप बीजेपी के साथ? इसलिए कि बीजेपी जो काम क्यों कांग्रेस जीवन काल में कभी नहीं की, जो काम मानते हो कि विकास किया है, विकास की ओर मैं बात कर रहा हूँ, हमें उम्मीदवार से कोई लेन देन नहीं है। जो विकास बीजेपी ने 19 साल में कर दिया वो 70 साल में कर पाई कांग्रेस। विकास आप किसे मानते हो? विकास जो मुझे दिखता है, जैसे रोड, पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान, तीन ही विकास है, सब कुछ मुझे दे रहा है, बीजेपी दे रही है। हम कांग्रेस कैसे मानेंगे? कांग्रेस कर रही कुछ नहीं, कांग्रेस की अपने कार्यकाल में 0 रही, आज भी 0 है। इस बार आप यानी फिर से बीजेपी के साथ? फिर से बीजेपी सरकार बनेगी, बिल्कुल 100%। तब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।